स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। पहले हमने जो डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे वो कौन कौन से थे हमारे? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। उसके बाद हमने पढ़ा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या है, कुछ और रूल्स बताए गए हैं आपको डिविजिबिलिटी के। जैसे फर्स्ट रूल आपका क्या है देखेंगे सभी, कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। इसका क्या मतलब है कि सपोज करो, जैसे मैं लेती हूँ एक एग्जांपल, मैंने लिया क्या 9 लिया, ठीक है, या सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करो 18 ले लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो नंबर है ये किसी एक और नंबर से डिविजिबल है, सपोज करो ये 9 डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 9 दूसरा क्या होता है मेरा 18 होता है। अब ये वाला जो रूल है ये क्या बोल रहा है कि जो 18 है वो इस नंबर के फैक्टर्स से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। कैसे? कि जो 9 का फैक्टर है हमारे, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1, 3 और 9 बनेंगे। अब देखेंगे कि जो 18 है 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, इसका इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स ऑल्सो। क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। सपोज करो कोई 2 को प्राइम नंबर्स हैं, हमने कोई भी 2 को प्राइम नंबर्स ले लिए, जैसे हमने कह दिया कि जो 80 है, ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने क्या 80 है, ठीक है, 80 क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5। 4 के टेबल में भी जा रहा है, 5 के टेबल में भी जा रहा है। ठीक है, तो जो अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे मीन्स 4, 5 जा 20, 20, 80 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ 2 को प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय द नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ अ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर कोई भी 2 गिवन नंबर है वो किसी नंबर से जा रहे हैं, जैसे मान लो कि 16 एंड 20 है, ठीक है, वो क्या है, मान लो मैंने कह दिया कि डिविजिबल बाय क्या है 4 है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर सम ऑल्सो। यानी कि इसका सम करो, ये क्या है 20 प्लस 16 क्या हो जाएगा मेरा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय दैट नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो, ये क्या था सम था, सपोज करो 80 है ये किससे डिविजिबल है मेरा, सॉरी 16 और 20 किससे डिविजिबल है मेरे 4 से डिविजिबल है, तो इसका जो डिफरेंस है 20 माइनस 16 कीजिए आप कितना आएगा 4 आएगा, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो इसके अंदर ये हमारे क्या थे, इन 4 रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, इसी पे बेस्ड किया है हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो हमारा 3.5 है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, सिंपल ट्रू फॉल्स है। अब हम ट्रू फॉल्स के साथ साथ मैं आपको जस्टिफिकेशन भी बताती जाऊंगी कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, देखिए कि सपोज करो कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, 30 ले लिया हमने, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लिया 30, ठीक है, 30 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। जो 30 है मेरा वो क्या है, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो ये क्या हो सकता है, ट्रू होगा। सपोज करो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया क्या 30 तो हमारा जाता ही है, इसमें क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 के टेबल में कुछ भी ले लीजिए, 18 ले लिया, 18 इज डिविजिबल बाय 9 एंड ऑल्सो बाय 3, तो क्या हो गया, ये जो 18 है हमारा कोई भी नंबर, देखिए अगर वो 3 से जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 से जाएगा, लेकिन अगर कोई भी नंबर हमारा 18 से जा, 18 है हमारा, जैसे कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, तो वो वाला नंबर क्या है हमारा,
9 क्या है, 9 के फैक्टर्स अगर आप लोग बनाएंगे तो वो 3 भी आएगा। मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी में कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, नाउ कम टू सी पार्ट ऑफ दिस। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6 बोथ। ये कोई जरूरी नहीं है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर है, सपोज करो वो 3 या 6 से हमारा क्या है, डिविजिबल है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा 18 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। जैसे एग्जांपल ले लिया हमको, मैंने एग्जांपल क्या ले लिया इसके अंदर आपका 30 ले लिया। ठीक है, 30 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6 बोथ बट नॉट बाय 18। ठीक है, क्या है इसके प्रोडक्ट से क्या है, डिविजिबल नहीं है। ये केस कब हमारा होगा, 3 और 6 देखो दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, प्रोडक्ट से तभी होता है जब हमारे दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नाउ कम टू डी पार्ट। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि 9 और 10 दोनों क्या है, मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, बिकॉज 9 एंड 10 बोथ आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा कि अगर कोई भी नंबर है हमारा, कि वो अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19 बिकॉज 9 एंड 10 आर द को प्राइम नंबर्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ई पार्ट इज इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्या है कि अगर दो नंबर हमारे क्या हैं, को प्राइम है, तो जरूरी तो नहीं है। एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे 14 और 15 क्या है, मेरे दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन दोनों के दोनों में से एक भी नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, दोनों क्या है मेरे कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पे। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया क्या 12 क्या है मेरा, इट इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। ठीक है, कि हमारा जो ये 12 है ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, अगर कोई नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो जरूरी हो कि वो 8 से भी हमारा डिविजिबल होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। देखिए मैंने आपको वही बताया था, वही वाला पार्ट आ गया है। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो हम इसे क्या कह देंगे, आपको जस्टिफिकेशन इसके बता चुके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली देन इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अभी आपको ये प्रॉपर्टी में बताया था कि वो क्या है, उसके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 16 एंड 20 इज डिविजिबल बाय 4, तो देयर सम यानी कि 16 प्लस क्या है 20 दैट इज 36, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, आई पार्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। कह रहे कि कोई भी नंबर है अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है दो नंबर के सम को, तो इट मस्ट डिवाइड देम सेपरेटली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, टू है, टू डिवाइड्स वेन कंप्लीटली करो है ना, इसको डिवाइड कर देता है, टू किसको डिवाइड कर देता है, हमारा 12 को, क्या आ जाता है मेरा 6 आ जाता है, बट 8 does not divides their sum, यानी कि 7 and 5 suppose करिए, 7 plus 5 मेरा क्या होता है 12 होता है, तो 12 का जो अगर हम sum कर रहे हैं, 7 plus 12 can be written as 7 plus 5, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 को तो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसके सम को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या कह देंगे इसको, कि ये क्या है मेरा, फॉल्स। क्लियर? तो आज हमने क्या किए, सम डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने और कर लिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए।